और मीनाक्षी, एक वक्त ऐसा भी आया है जब चिंता और ज्यादा बढ़ गई है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना की घुसपैठ अब अर्धसैनिक बलों में दिखाई दे रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना से संक्रमण का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में भी अब तक कोरोना के 256 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक असिस्टेंट कमांडेंट संक्रमित हो गए। इससे पहले सीआरपीएफ का ड्राइवर पॉजिटिव निकला था। सीआरपीएफ में एहतियात बरतते हुए धरती विभाग के कर्मचारी के कांटेक्ट में आए 35 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बेहद चिंता की बात, अर्धसैनिक बलों में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में ये जवान हमारे फ्रंट मोर्चे पर तैनात रहते हैं और कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है, जो लगातार इनकी संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, बेहद चिंताजनक। गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है और गृह मंत्रालय ने एक बाकायदे एसओपी जारी किया है जिसमें ये कहा है कि जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं उन लोगों को अलग अलग डेडिकेटेड अस्पतालों में रखा जाए, साथ ही जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि नेहा, जिस तरीके से 250 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं अर्धसैनिक बलों में, और ये वो लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के साथ या फिर दूसरी जो राज्यों के साथ किसी न किसी रूप में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अलग अलग जगहों पर लगे हुए थे, इसमें सीआरपीएफ के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। 144 के आसपास संख्या बताई जा रही है। उसके बाद बीएसएफ, आईटीबीपी, साथ ही एसएसबी के भी जो जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात थे, वो लोग भी संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है और ये कहा है कि इन जवानों के लिए एक डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाए। इसके लिए आईटीबीपी का जो अस्पताल है उसको कोविड डेडिकेटेड कर दिया गया और वहां पर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। इसका सीधा और साफ मकसद है कि इन जवानों में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर के सभी जो शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन का आज दूसरा दिन, कल की तरह आज भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार दिखाई दी। हालांकि कल के अफरा तफरी के बाद आज लोग थोड़े अनुशासित दिखाई दे रहे हैं। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए किस तरीके से अलग अलग शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया भी जा रहा है या फिर नहीं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जाकर शराबियों को छूट मिली, यानी शराब के ठेके खुले, लेकिन 40 से 45 दिनों का व्रत, उनका दशा ये हो रही है कि शराब के बिना ऐसा लग रहा है कि मुश्किल, यानी ये प्यासों की भीड़ है। लॉकडाउन में इससे पहले भूखे लोगों की भीड़ लगती थी, राशन की कतार लगा था, लेकिन ये प्यासे लोगों की भीड़ है। ठेका 9 बजे खुलता है लेकिन ये सारे लोग सुबह 4 बजे से, कोई 5 बजे से यहाँ कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राजस्व के लिए 70% MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 70% कोरोना सेस लगाया है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग कतार में खड़े हैं। आप सोच सकते हैं गरीबी कितनी है, लेकिन अब इनका कहना है कि हम तो सरकार की सेवा कर रहे हैं, हम तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। कब से कतार में लगे हैं आप? हम तो मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ। हम लगे हैं सुबह से, हम सुबह 6 बजे से खड़े हैं। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर 70% का टैक्स जो है वो लगा दिया है, कोरोना टैक्स है, जिसके बाद भी दिल्ली में आज एक बार फिर शराब की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर से कई किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर वाइन शॉप के बाहर जो है वो यहाँ पर लग गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो होना चाहिए वो यहाँ पर पालन होता हुआ अभी भी फिलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लगातार लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोग काफ़ी लंबी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि कब वाइन शॉप जो है वो खुले और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ से आगे जो है वो अब वाइन जो है वो शराब जो है वो ले सके। लेकिन आप देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वाइन शॉप ऑनर की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो लोगों के बीच में कराए। देखिए 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी जरूर है, क्योंकि मदराला को खोल दिया गया, लेकिन सुबह 10 बजते ही पहले से ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। जहां तक नजर दौड़ा रहे हैं हम, लंबी लाइन है, लगभग 1.5 किलोमीटर की ये लंबी लाइन अभी तक लग चुकी है। और इसके अलावा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग शराब खरीदने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। अब उनसे भी जानते हैं कि ये बताइए कि आप शराब खरीदने आए हैं, क्या इतना जरूरी
नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब सरकार ने खोल दिया है तो ले लेंगे। आपने देखा कैसे कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मुंबई और तमाम महाराष्ट्र के दूसरे शहरों का है। कोरोना का मीटर 9000 मुंबई में पार कर चुका है। लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट क्या मिली, मुंबई कर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भूल गए। तस्वीरें दादर के टीटी बस स्टॉप की हैं, जहां सभी को जाने की जल्दी है, लिहाजा 2 गज दूरी का मंत्र भुला दिया गया है। लेकिन कोरोना के खौफ के बीच ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर दादर टीटी यहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। लोग हैं, कुछ लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग भले ही हो, लेकिन चूंकि कुछ दुकानें खोल दी गई है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स खुली रहेंगी ये बताया गया है, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहेंगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी हो या फिर इनसे जुड़े लोग हो, इनकी संख्या शायद लोगों में आज दिखाई दे रही। लोगों की यही लापरवाही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट है। आखिर पुलिस कब तक और कहां तक लोगों के पीछे डंडा लिए भागती रहेगी, उन्हें भी तो कोरोना का डर है। जेजे मार्ग पुलिस थाने के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 6 पुलिस अफसरों और 40 सिपाहियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 55 का पड़ाव पार कर चुके 18 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुंबई में अब तक 3 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पुणे में भी 1 पुलिसकर्मी की वायरस ने जान ले ली है, जबकि 10 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन मुंबई वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे। तिलक नगर की सब्जी मंडी से आई ये तस्वीर डराने वाली है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ लोग घूम रहे हैं। जब इस बात पर उन्हें टोका गया तो कुछ लोग चाकूबाजी पर उतर आए। मुंबई में बीते 24 घंटे में 510 केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में वायरस अब तक 361 की जान ले चुका है और 9310 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 14500 के पार जा चुका है और 583 लोगों की मौत हो चुकी है। संकट की इस घड़ी में अच्छी खबर यह है कि जमाती अब्दुल रहमान ने कोरोना को मात देने के बाद दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। फ़ोन आया था हॉस्पिटल से तो दिल में तजस्सुस था कि यार क्यों देवे अपनी बॉडी का कुछ, लेकिन जब मौलाना साहब साहब दामन बरकातों ने कहा, अमीर जमात है जो पूरे आलम के अमीर हैं, उन्होंने कहा नहीं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और अपने भाइयों की मदद करो, तो फिर मेरे भी दिल में बात आ गई कि नहीं मुझको देना चाहिए। मुंबई के झोपड़पट्टी धारावी में जिस तरह से कोरोना अटैक हुआ है, उसके मद्देनजर सब्जी मंडी और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही मुंबई के लिए घातक साबित हो सकती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब प्रवासी मजदूरों की, जिनकी घर वापसी हो रही है। बसों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चला दी गई है, लेकिन इसके बावजूद मजदूर जो है वो बेबस दिखाई देते हैं, कहीं चोरी छिपे जा रहे हैं तो कहीं विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। मंजिल दूर है लेकिन सफर तो करना है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पास न काम बचा है और न खाने पीने का इंतजाम है, लिहाजा बेंगलुरु में यूपी बिहार जाने के लिए सैकड़ों प्रवासी मजदूर जमा हो गए। उन्हें बस में बिठाया गया ताकि ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा दिया जाए,
लेकिन मजदूर वहां आपस में ही भिड़ गए। पुलिस को डंडा चलाना पड़ा। इसे बढ़िया उपाय आपको अगर कोई भी है तो बेहतर होगा। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, मनमानी कीजिएगा, तो आपको कोई रास्ता आगे नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्योंकि बिहार बगल में नहीं है, यहां से 2500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, कोई बस जा सकती। हालांकि उड़ीसा के 1190 मजदूर किस्मत वाले रहे, जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रवाना कर दिया गया। सड़कों पर खाक छान रहे इन मजदूरों को गुमान था कि उन्होंने तो हैदराबाद की किस्मत चमकाई है, लेकिन लॉकडाउन आया तो पता चला कि उनकी तो किस्मत वाली लकीर ही मिट गई है। यूपी, बिहार, झारखंड के सैकड़ों मजदूर पैदल ही सिकंदराबाद स्टेशन की तरफ चल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस वहीं भेज दिया जहां खाने पीने को वो मोहताज हैं। हेमंत सरकार मेरा जो शिबू सोरेन है उसको तुरंत पहुंचे, जो हम लोग इधर फंसा हुआ है, कैसे भी हम लोग झारखंड पहुंचे। हम लोग इधर कम से कम 1000 से ज्यादा आदमी है, 1200 आदमी है, पूरा झारखंड का आदमी है सर। यूपी बिहार के कितने हैं? नहीं, खाली ओनली झारखंड का है। पूरे यूपी बिहार झारखंड मिला के 4000 आदमी है इधर। हम लोग शमशाबाद एयरपोर्ट से आ रहा है। सूरत में मुसीबत आई तो 55 मजदूर ट्रक में छुप कर पटना पहुंच गए। इन्हें नालंदा, दरभंगा और मधुबनी जाना था। ट्रक ड्राइवर को 3500 रुपए किराया भी दिया था, लेकिन वो पटना में छोड़कर फरार हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई सो अलग। 4 दिन से भूखे मजदूरों को मेडिकल जांच के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। हम ड्राइवर आप तो है पटना में सर। कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं सर। पैसा कौड़ी कुछ नहीं है सर, 1 रुपया भी नहीं है। 4 दिन से भूखा मैंने भेजा सर। सरकार की तरफ से कोई सहायता? कुछ सहायता नहीं सर। अभी पानी मिला सर, अभी पानी खाना के लिए अभी मिला है सर। कहना चाहते थे कि अपना ट्रेन चालू कर देते था, इतना सुविधा दे देता, आ जाते से इतना पैसा नहीं बस होता। मुंबई में काम करने वाले इन मजदूरों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि अपने वतन यानी मुंबई से सिद्धार्थ नगर पहुंच गए हैं। हालांकि ज्यादातर मजदूरों ने बताया कि उन्हें ट्रेन में तभी घुसने दिया गया जब पैसे ले लिए गए। टिकट का पैसा लगा, 740 का टिकट पैसा लिया गया है। वहाँ से टिकट का पैसा लिया गया, फिर हम लोग को लाए ट्रेन में बैठाया गया। उसके बाद में खाना पीने का व्यवस्था फ्री था, हम लोग को लाए गोरखपुर उतारे, वहाँ से बस में बैठा यहाँ लाए। मगर क्या करें, हम लोग मजबूर थे, वहाँ खाना पीने का बहुत व्यवस्था हम लोग के पास था नहीं। कोरोना काल में काम धंधा छिन जाने के बाद महापलायन की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं। हर कोई अपने गांव पहुंच जाने को बेताब है, चाहे इसके लिए पैदल ही क्यों न चलना पड़े। आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, अब कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं, क्योंकि जो 24 घंटे में आंकड़े आए हैं 3900 नए केस सामने आने से अब हर कोई सकते में है। हर दिन बढ़ते केसेस के मामले में भारत ने अब इटली को पीछे छोड़ दिया है। तस्वीरें बदल रही हैं, सड़कों पर भी, कोरोना मीटर में भी। लॉकडाउन 3 लागू होते ही सड़कों का सन्नाटा खत्म हो गया, गाड़ियां भागने लगी, लोग घरों से बाहर निकल आए, दुकानों के शटर खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हवा हवाई हो गई। सड़कों की तस्वीरें तो खौफ ज्यादा कर ही रही है, कोरोना मीटर भी डराने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आज के आंकड़ों को देखें तो कल के मुकाबले इनमें सबसे ज्यादा उछाल आया है। एक दिन में ही कोरोना के मामले 3900 बढ़ गए। कल 8 बजे 42,533 कोरोना वायरस के केस थे, जो आज बढ़कर 46,433 तक जा पहुंचे। एक दिन में संक्रमण से 195 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले 12,727 हो गए, जो कल के मुकाबले 1,020 ज्यादा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जाकर शराबियों को छूट मिली, यानी शराब के ठेके खुले, लेकिन 40 से 45 दिनों का व्रत, उनका दशा ये हो रही है कि शराब के बिना ऐसा लग रहा है कि मुश्किल, यानी ये प्यासों की भीड़ है। लॉकडाउन में इससे पहले भूखे लोगों की भीड़ लगती थी, राशन की कतार लगा था, लेकिन ये प्यासे लोगों की भीड़ है। ठेका 9 बजे खुलता है, लेकिन ये सारे लोग सुबह 4 बजे से, कोई 5 बजे से यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राजस्व के लिए
70% एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 70% कोरोना सेस लगाया है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग कतार में खड़े हैं। दिल्ली की तस्वीर तो और भी खौफनाक है। कल शराब की दुकान खुली तो जाम के लिए लोग कोरोना से बेफिक्र हो गए। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा, न मास्क की परवाह रही। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। अब कुल मामले 5,000 के करीब जा पहुंचे, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1400 के पार हो गई। अब तक 64 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट क्या मिली, मुंबई कर सोशल डिस्टेंसिंग का सबक ही भूल गए। लोगों की यही लापरवाही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट है। आखिर पुलिस कब तक और कहां तक लोगों के पीछे डंडा लिए भागती रहेगी, उन्हें भी तो कोरोना का डर है। जेजे मार्ग पुलिस थाना के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 6 पुलिस अफसरों और 40 सिपाहियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 55 का पड़ाव पार कर चुके 18 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुंबई में अब तक 3 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पुणे में भी एक पुलिसकर्मी की वायरस ने जान ले ली है, जबकि 10 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन मुंबई वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे। मुंबई में बीते 24 घंटे में 510 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। आर्थिक राजधानी में अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल मामले 9,310 तक जा पहुंचे। कोरोना से बचाव ही इलाज है। जरा सी लापरवाही हुई तो कीमत सबको चुकानी होगी। इसलिए जरूरी है कि सरकार की गाइडलाइंस का ईमानदारी से पालन करें, लोगों से दूरी बनाए रखें, चेहरा ढकें, साफ सफाई का ख्याल रखें। मुंबई से कमलेश सुतार और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना केस में किस तरह से इजाफा हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली में 24 मार्च को कोरोना के सिर्फ 29 केस थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन की अवधि में दिल्ली में कोरोना के 4,869 केस बढ़े, यानी करीब 167 गुना का इजाफा हुआ। आपको पिछले 6 दिन का आंकड़ा दिखा देते हैं। पिछले 6 दिन में दिल्ली में 1,584 केस बढ़े हैं, यानी हर रोज 264 केस बढ़ रहे हैं। हर घंटे दिल्ली में कोरोना के करीब 11 केस जुड़ते चले गए हैं, और इस वक्त मीनाक्षी जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है बीते एक हफ्ते में। बिल्कुल, और इसीलिए ये एक बड़ी चिंता इस वक्त सरकार और प्रशासन के लिए बनी हुई है कि लॉकडाउन 3 छूट और रियायतों के साथ लागू किया गया, लेकिन अगर बीते 24 घंटे की बात करें 3,900 केसेस का सामने आना, यानी ये इटली से भी ज्यादा तादाद है एक दिन की अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो। अब ऐसे में आने वाले दिनों में ये चुनौतियां कैसे बढ़ेंगी और इन्हें काबू में करने के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, ये अब देखना होगा। लॉकडाउन 3.0 के दूसरे दिन भी सुबह से ही शराब के दुकानों के बाहर लंबी कतार देखी गई। आज भी देश भर की शराब की दुकानों के बाहर लंबी चौड़ी लाइन लगी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती आज ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें देखिए, भीड़ जबरदस्त यहां दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे भी बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी नगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना कम डिस्टेंस है, कितनी कम दूरी है लोगों के बीच में, और पुलिस यहां पर इस लाइन को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने में जुटी हुई है। नेहा, 40 दिन से ज्यादा दिन लॉकडाउन के बीत चुके हैं और लगभग हर दिन हम भी खबरों में लगातार लॉकडाउन की बात करते हैं। और ये हालत मीनाक्षी तब है जब 70% शराब महंगी हो चुकी है। यहाँ पर लाइन में देखिए, कुछ लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं लगा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की कौड़ी है। शटर खुल भी नहीं पाए और सुबह 6 बजे से ही दुकानों के बाहर आज फिर से कतारें लग गईं। फिर से लोगों की बेसब्री सड़कों पर उमड़ पड़ी। लंबे अरसे बाद देश में शराब की दुकानें खुलने का कल पहला दिन था। कल के रिकॉर्ड तोड़ तस्वीरें पूरे देश ने टीवी पर देख ही ली हैं, लेकिन आज दूसरे दिन भी न तो जाम के लिए जोश कम हुआ, न कोरोना की दहशत पीने वालों को डरा पाई। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना टैक्स जो है वो शराब के ऊपर लगाया गया है, एमआरपी के ऊपर। हालांकि बकायदा शराब की दुकानों पर इस तरीके का टैक्स का यहां पर पोस्टर लगा दिया गया है, लेकिन 70% बढ़ने के बावजूद भी लोगों की जो भीड़ है
वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। दिल्ली में ये हाल तब है जब केजरीवाल सरकार ने शराब करीब करीब दोगुनी महंगी कर दी है। कल देर रात इस बारे में आदेश जारी किया गया। मकसद था एक तीर से दो निशाने। पहला तो ये कि शराब दुकानों पर उमड़ रही भीड़ कुछ कम होगी और दूसरा ये कि खाली पड़े खजाने में खनक लौटेगी। दिल्ली में आज से शराब के दाम करीब दो गुने हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाई। दिल्ली में MRP से भी 70% ज्यादा महंगी हुई शराब, यानी अगर एक बोतल की कीमत 1000 है तो अब 1700 की मिलेगी। लेकिन जो जाबाज महामारी के खतरे और पुलिस की लाठी से भी न डरे, उन्हें अरविंद केजरीवाल 70% टैक्स से डरा लेंगे, ये ख्याल भी दिल्ली के दिल वालों की बेइज्जती जैसा है। सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के कई हिस्सों में शराब दुकानों में जुटी भीड़ दूध डेयरी पर लगने वाली कतारों को मात दे रही है। काउंटर खुलने का इंतजार भी बस से बाहर हो रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल दुकानें नहीं खुल पाई थी, लेकिन आज यहां भी जामबाजों के चेहरे पर उम्मीद है। आखिरकार 40 दिन के इंतजार के बाद गाजियाबाद में भी शराब की दुकानों को खोल दिया गया। हालांकि 4 मई को ये दुकानें खुलनी थी, लेकिन DM ने आदेश दिया और दुकानें नहीं खुली, जिसके बाद आज DM ने दुकानें खोलने का आदेश दिया। आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजते ही यहां पर बाकायदा शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त लंबी लाइन है। जहां तक आप नजर दौड़ाते हैं वहां तक लंबी लाइन। उधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कमाई और कोरोना के खतरे के बीच दिन भर की ऊहापोह के बाद आखिरकार कमाई को नकार नहीं सकी। मध्य प्रदेश में भी आज से शराब दुकानें खोल दी गईं। ऑरेंज और ग्रीन जोन की शराब दुकानें खोली गईं। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। रेड जोन जिलों के शहरी क्षेत्रों में भी नहीं खुलेंगी दुकानें। कल यानी 4 मई को यूपी में 100 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। सिर्फ लखनऊ में कल के दिन 6.5 करोड़ से ज्यादा रकम जाम में छलका दी गई। 40 दिनों से काम धंधों के ठप होने के चलते तमाम सरकारों के खजाने खाली हो चले हैं और सरकार को बड़ी उम्मीद शराब की कमाई से ही है। इसलिए भीड़ के खतरे के बावजूद कोई भी राज्य शराब के धंधे को फिलहाल बंद रखने का पक्षधर नहीं है। दिल्ली से पुनित शर्मा और भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में शराब पर ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे, लेकिन गाजियाबाद में ऐसा नहीं होगा। गाजियाबाद में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन MRP से ज्यादा रेट पर बेचने वालों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन भी लेगी। बॉर्डर के उस पार रंग जमे और इस पार सन्नाटा, ये अन्याय नहीं तो क्या है? जी हाँ, दिल्ली में खुल गए, नोएडा में खुल गए, तो फिर गाजियाबाद में आखिर शराब के ठेके क्यों बंद रहते? 24 घंटे बाद ही सही, अब जिला गाजियाबाद के भी शराब के ठेके आबाद हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से गाजियाबाद में भी शराब के ठेके काम पर लग जाएंगे और शाम 7 बजे तक शराब बिक्री होगी। जाम है तो जहान है। दिल्ली और नोएडा में ठेके खुलने के पहले दिन की तस्वीरें यही कहानी कह रही थीं। लेकिन ऑरेंज जोन वाले गाजियाबाद में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बेशक योगी सरकार ने गाजियाबाद में शराब ठेके खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन शर्तें लागू हैं। एक दुकान पर एक साथ सिर्फ 5 लोग खड़े होकर शराब खरीद सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। MRP से ज्यादा पैसे लेने पर सख्त कार्यवाही होगी। इन नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों को टेस्ट परचेजिंग करने का आदेश दिया है। गाजियाबाद में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्टैंड अलोन दुकानें भी खुलेंगी। गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन कारखानों को चलाने के लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। ठेकेदारों को मजदूरों के रुकने का इंतजाम कंस्ट्रक्शन साइट पर ही करना होगा। 33% स्टाफ के साथ दफ्तर भी खुलेंगे। कैब सर्विस चालू होगी, लेकिन ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर ही बैठ सकेंगे। यूपी ने भी ये मान लिया है कि लोगों को अब कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा।
मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने चिट्ठी लिखकर कई तरह के उद्योग शुरू करने को हरी झंडी दी है। कोल्ड स्टोरेज डेयरी इंडस्ट्री भी चालू करने का फैसला किया गया है। ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक ग्लास इंडस्ट्री में भी काम शुरू हो रहा है। एल्यूमिनियम उद्योग भी चालू होगा। ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का निर्माण भी आज से होने लगेगा। कारोबार को दोबारा शुरू करना वक्त की जरूरत है, लेकिन इस दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बीते 24 घंटे में केवल गाजियाबाद में 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि पूरे यूपी में 121 कोरोना के नए केस आए हैं। यूपी में अब तक वायरस की चपेट में 2766 लोग आ चुके हैं, जिनमें 50 जिंदगी से हाथ धो चुके हैं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना मरीज सुनते ही आम लोग दूरी बना लेते हैं। डॉक्टर और सरकार की सलाह भी यही है कि इनसे दूरी आप बनाकर रखें, लेकिन ऐसे में अगर किसी की कोरोना से मौत हो जाए तो सोचिए उनके रिश्तेदारों पर क्या बीतती है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। हर रोज कई लोग कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार रहे हैं। निगम बोध घाट में उनके अंतिम संस्कार के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। ये वो वक्त है जब अपने भी पराए हो रहे हैं। ये कहानी उन कर्मवीरों की है जो उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ खड़े हैं। आज तक आपको निगम बोध घाट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा और उसके लिए हमने पूरी सावधानी और तैयारी कर रखी है। हम पहनेंगे ये हैजमैट सूट ताकि हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएं सावधानी बरतते हुए। निगम बोध घाट ये दिल्ली के उन दो शमशान घरों में एक है जहां कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार होता है। निगम बोध घाट के अलावा पंजाबी बाग शमशान घाट में कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार होता है। निगम बोध घाट में जो व्यवस्था की गई है उसके तहत जब बॉडी आती है, आप देखिए पीछे जीटीबी अस्पताल से ये एम्बुलेंस आई है, ये अटेंडेंट हैं जो अस्पताल ने भेजा है, जिनको एक तहत प्रोटोकॉल की तरह के तौर पे आप लेके आते होंगे। क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? हाँ, चिंता सबको होती है, लेकिन अभी तक मैं मैरिड नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि चलो जो भी सेवा हो रही है हमारे संती जी की तरफ से, हम इसीलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोविड 19 से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए ICMR ने सख्त गाइडलाइंस बनाए हैं। इसके तहत लीक प्रूफ प्लास्टिक बॉडी बैग में शव का अंतिम संस्कार होगा। बॉडी बैग के बाहरी हिस्से में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड लगाना भी अनिवार्य होगा। हाँ, जब शुरुआत हुई थी जब थोड़ी टेंशन हुई थी, फिर इसके बाद थोड़ी टेंशन कम होती गई, क्योंकि हम जब भी कोरोना की बॉडी लगाते हैं तो पूरा पैक होकर लगाते हैं, पूरी किट पहनते हैं, पूरे दस्ताने पहनते हैं, पूरे दस्ताने पहन के जब बॉडी अंदर लगवाई जाती है, हॉस्पिटल से जब बॉडी आती है तो किट में पूरी पैक आती है, तो उसको उठा के फिर सीधा अंदर रखवाते हैं। अंतिम संस्कार को लेकर सरकार के सख्त दिशा निर्देश हैं। 20 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, लोग भी इसे सख्ती से मान रहे हैं। हम 5 लोग यहाँ पे उनका फ्यूनरल करने के लिए आए हैं। एक एक फैमिली के साथ इतने इतने लोग मैंने यहाँ देखे, तो मैं यहाँ पे आके बहुत डिस्टर्ब हुई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लोगों को टीवी के ऊपर संदेश दिया है, समझाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से करना, इस बीमारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पर लोग दाह संस्कार के बाद अस्थि लेकर उसे विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 15 दिन बाद भी अस्थि लेने नहीं लौटे। यहाँ के प्रभारी कहते हैं कि ऐसा पहली बार है जब सभी 228 लॉकर भरे हुए हैं। राजेंद्र कश्यप जी बताते हैं यहाँ पे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 228 लॉकर भरे रहे और उसके बावजूद भी और अस्थि कलश उनको ऊपर इस तरह से रखना पड़े। हर जगह आप देख रहे हैं कि पर्चियां लगी हैं और ऊपर भी अस्थि कलश जगह जगह पे रखे हुए हैं। फिर हमने लोगों को फोन करके सूचित करना शुरू किया कि आप लोग आइए, 15 दिन से समय ज्यादा हो गया, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अस्थियों को गंगा जल का छींटा दे करके यमुना जी में प्रवाहित कर दें। यदि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, लोगों को जागरूकता हुई। वक्त बदल गया है, लगता है बदलते वक्त में परंपराएं भी कहीं ना बदल जाएं। अजब सी विडंबना है, जीते हुए भी और मरने के बाद भी इन मरीजों को कोरोना का दंश सहना पड़ा।
मृत्यु खड़ी होगी सब राह रोककर, हम जागेंगे ये विविधता स्वप्न खोके, चलते भीड़ में कंधा रगड़ कर हम अचानक जा रहे होंगे कई सदियां खोके। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार जोर शोर से आरोग्य सेतु ऐप का प्रचार कर रही है और इसे सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के साथ हॉटस्पॉट जोन्स में रहने वालों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने इस ऐप पर ही सवाल उठा दिए। इसे निजता का उल्लंघन बताया गया है। भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें। संकट की स्थिति में हमें ये आरोग्य सेतु ऐप हरेक यहां इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया आरोग्य सेतु ऐप अब सियासी उठापटक का अखाड़ा बन गया है। पहले जहां ये ऐप डाउनलोड करना लोगों की मर्जी पर निर्भर था, वहीं लॉकडाउन की तीसरी किश्त में सरकार ने जब प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य किया तो विपक्ष ने हमला बोल दिया। आरोग्य सेतु ऐप हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय गो इबीबो एंड मेक माय ट्रिप दैट कंपनी। डू वी इवन नो that 40% of the company is owned by the Chinese. How can an app like Arogya Setu app continue? It would be a gross sacrilege against the right of privacy. But the main problem about this app, as has been mentioned by several political parties, is that it violates data privacy. You have to give all details of yourself according to the app, and the government will use it to invade your privacy. That's why I am not happy with the app. इससे पहले राहुल गांधी ने भी आरोग्य सेतु ऐप को प्राइवेसी पर हमला बताते हुए इसकी आलोचना की थी। आज तक ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कई लोगों से बात की। ज्यादातर लोग इसे कोरोना से लड़ने में उपयोगी मान रहे हैं। पता चलता रहता है कि अपने एरिया में कोई इन्फेक्शन है नहीं है, तो मतलब दिखाता है हाँ यू आर सेफ, तो आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते रहिए तो थोड़ा सही रहता है। यस, हमने किया है डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद भी, और उसके बाद मैनेजमेंट हैज आल्सो, मैनेजमेंट ने भी हमें बोला है डाउनलोड करने को एंड वी आर यूजिंग इट। आरोग्य सेतु ऐप से डेटा सुरक्षा के सवाल पर हमने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से भी बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। But having said that, the requisite compliances for cyber security, as would be expected out of such a crucial app like Arogya Setu, are clearly not being properly documented. Arogya Setu app के बारे में बताया जाता है कि ये आपको ये बताता रहता है कि कहीं आपके पास कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं। अब तक करीब 2 करोड़ लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। कोलकाता से मनोज लोहिवाल और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ प्रशस्ति शांडिल्य और अरविंदो झा, दिल्ली आज तक।